यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध और पनीर बनाने के लिए एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। खुलासा हुआ है कि व्यापारी अजय अग्रवाल ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया था जिससे केवल एक लीटर केमिकल से 500 लीटर नकली दूध तैयार किया जा सकता था। इस फॉर्मूले की खासियत ये थी कि नकली दूध का फैट कंट्रोल हो जाता था और मशीनें भी इसे पहचान नहीं पाती थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 से 5 दिसंबर को बुलंदशहर के 3 स्थानों पर छापेमारी की और इस रैकेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अजय अग्रवाल के द्वारा तैयार किए गए इस फॉर्मूले से नकली दूध और पनीर का निर्माण किया जा रहा था जो कि दिल्ली और नोएडा तक सप्लाई किया जा रहा था। दूध में सिंथेटिक सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था जो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुका था और जो आमतौर पर स्टारबक्स की कॉफी में डाला जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री से 25 किलो नकली पनीर और 21,700 किलो केमिकल बरामद हुआ है। फैक्ट्री मालिक नफीज अहमद ने बताया कि केमिकल बुलंदशहर के एक दुकान से खरीदा जाता था। इसके बाद 5 दिसंबर को छापेमारी के दौरान अजय अग्रवाल ने गोदाम से नकली दूध बनाने के कच्चे माल और 7 प्रकार के केमिकल बरामद हुए। फिलहाल दुकान और गोदामों को सील कर दिया गया है और पूछताछ जारी है।